Hello everyone, welcome to all in next class. Today we will study about the carbohydrate. Okay, chapter number 5 हम लोग का चल रहा था. Okay, chapter number 5 में हमने कल पढ़ा food के बारे में, diet के बारे में, balanced diet के बारे में, और हमने जाना कि food में कौन कौन से nutrients पाए जाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस होती है. अब उन सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे. ओके, तो सबसे पहला हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आर प्रेजेंट एज सुगर एंड स्टार्च. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो हम फूड खाते हैं, कोई भी फूड हम खाते हैं, तो उसमें डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, ये जो है सुगर और स्टार्च के फॉर्म में होता है. आप पूछोगे कि सर जब ये शुगर और स्टार्च के फॉर्म में होता है तो फिर जो है इसे कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि वो शुगर और स्टार्च के फॉर्म में ही होता है. जब हम उसे उस फूड को खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर शुगर और स्टार्च इंटर करता है. क्या करता है इंटर? शुगर और स्टार्च. फिर हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके पश्चात ये जो आपका शुगर और स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना, मतलब हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं फूड से, हम फूड से शुगर या स्टार्च लेते हैं और वो शुगर और स्टार्च हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, फूड विथ शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट. जो फूड आप खाते हो उसमें, अब देखो जिस फूड, जो फूड स्वीट होता है खाने में, मीठा होता है, उसमें हमें क्या मिलता है? शुगर मिलता है. और वो शुगर बाद में फिर हमारे जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. शुगर गिव्स क्विक एनर्जी. शुगर क्या करता है, हमारे बॉडी को क्विक एनर्जी देता है. ठीक है ना, स्टार्च जो है वो अपनी एनर्जी थोड़ी देर में देता है, लेकिन शुगर से हमें बॉडी में क्विक एनर्जी मिलती है. अब वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें हमें कि हमें ये कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, शुगर और स्टार्च मिलते हैं? तो सबसे पहला है आपका ब्रेड, पोटैटो, राइस एंड सिरिल कंटेंस स्टार्च. ठीक है ना, ब्रेड में, पोटैटो में, राइस में, शुगर केन में, और जो सीरियल्स मतलब अनाज, जितने भी अनाज होंगे उसमें जो है अनाज के जो दाने होते हैं उसमें जो है आपके मिल देंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट. ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड बाय द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में क्या होता है? स्टोर होता है. इफ ईटन इन एक्सेस, अगर हम ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी को जितने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन अब जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उसे क्या करेगी? इस फैट के रूप में स्टोर कर देती है हमारे बॉडी में, है ना. इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट. टू मच कार्बोहाइड्रेट इन डाइट मेकेज ओबेसिटी. और अगर हम डेली अपने बॉडी की जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा जो बॉडी है जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा? उसको फैट के फॉर्म में स्टोर करता जाएगा. ठीक है, और स्टोर करता जाएगा और फिर हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? फैट से भर जाएगा. मतलब हमारी बॉडी जो है बहुत ही मोटी, फैटी हो जाएगी, और ये एक तरह का फिर डिजीज़ कहलाता है, जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी. ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण
एक्सेस कार्बोहाइड्रेट के कारण जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में जमा हो जाता है और उसे ही हम ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ओबेसिटी मोटापा एक तरह की क्या है, बीमारी है, ठीक है ना। ओके, तो आई होप कार्बोहाइड्रेट से सारे आपके मैटर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे आपको कहाँ कहाँ से और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जैसे कोका कोला है, ठीक है, और ये जूस वगैरह है, शुगर है, चॉकलेट है, ठीक है, इन सभी चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये कोका कोला ना, ये मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इसमें जो है कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, ठीक है ना। ओके, प्रोटीन, प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। कैसे न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी बिल्डिंग। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल्स एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज। देखो हमारी बॉडी जो है ना वो सेल से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, सेल से। आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, फिर सेल से जो है मिल करके बने होते हैं टिश्यू, ठीक है, और टिश्यू से मिलके क्या बने होते हैं, ऑर्गन, ठीक है ना, और फिर ऑर्गन से मिलकर के क्या बने होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और पूरी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलकर के हमारी एक कंप्लीट बॉडी बनती है। यानी कि हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है, सेल है। हमारे बॉडी में जो है ना क्या होता है कि डेली, आप बिलीव नहीं करोगे, डेली जो है लाखों सेल्स, करोड़ों सेल्स मरते हैं और उतने ही नए सेल्स या उससे ज़्यादा सेल्स हमारे बॉडी में बनते भी हैं, है ना। मतलब कि हमारे बॉडी में अगर जब हमारी बॉडी ग्रोइंग एज में होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने सेल्स मरते हैं उसके डबल ट्रिपल जो है सेल्स हमारे बॉडी में बनते जाते हैं। उसके बाद एक क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक जो है जितने सेल्स मरते हैं फिर उतने नए बनते हैं, जितने मरते हैं उतने नए बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नए सेल्स बनते हैं उन नए सेल्स को बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। यानी कि अगर हम प्रोटीन ना लें तो हमारे बॉडी में जो नए सेल्स हैं वो शायद ना बने, ठीक है ना। तो और क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी के जो जैसे कोई पार्ट डैमेज हो गया, जैसे कहीं चोट लग गई हमें, कहीं घाव हो गया, ठीक है ना, तो उसको भरने का भी काम करते हैं प्रोटीन, है ना। प्रोटीन इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जब हमारी बॉडी ग्रोइंग एज में होती है, मतलब जो है अप टू द एज ऑफ 18, तो 18 ईयर की एज तक हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है, तो उस समय बॉडी की ग्रो करने के लिए हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें, बोन्स अच्छे से ग्रो करें, इसके लिए हमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की। उस टाइम पीरियड में जितना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा हमारे बॉडी को उतना बॉडी हमारी अच्छे से डेवलप करेगी, ठीक है। आवर मसल्स, स्किन, नेल्स एंड हेयर आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन्स। ये सभी चीज़ें जो है, जैसे हमारे मसल्स हो गए, स्किन हो गई, नेल्स हो गए, हेयर हो गए, ये सभी चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, प्रोटीन्स से बनी होती हैं। जिस अगर हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी तो देखो आपके जो हेयर होते हैं ना वो जल्दी जल्दी झड़ने लगेंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर बाल अगर गिर रहे हैं आपके तो उस टाइम पे क्या करिए कि प्रोटीन की मात्रा जो है अपनी बॉडी में बढ़ाइए, प्रोटीन और विटामिन्स की, ठीक है ना। तो इसीलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी की ग्रोथ करता है, ठीक है ना। जैसे जो भी चीज़ें हैं हमारे बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, हेयर्स हो गए, नेल हो गए, इन सभी चीज़ों की ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी में सेल्स का निर्माण करता है, ठीक है ना। वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड एवरी डे एज आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर इट फॉर लेटर यूज। अब चूंकि देखो क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है फैट के फॉर्म में,
तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट किसी दिन नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी उसी जो फैट को जो स्टोर की है उसी स्टोर फैट से वो कार्बोहाइड्रेट वापस ले लेती है। लेकिन प्रोटीन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बॉडी ना प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है। ऐसा नहीं कि अगर हमने आज जो है 70 ग्राम प्रोटीन लिया और उसमें पता चला कि 20 ग्राम प्रोटीन बच गया तो उसको वो स्टोर करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कल हमें फिर 70 ग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि ये जो प्रोटीन फूड होते हैं वो मिलते किस में हैं। तो जैसे आपके मिल्क प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो चीज़ हो, बटर हो, आइसक्रीम हो, ठीक है ना, उसमें आपका प्रोटीन मिलेगा। फिर है पीनट्स, फिश, एग, मीट, पल्सेस कंटेन प्रोटीन्स, ठीक है ना। देखो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अगर याद करने का तरीका मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क, दूसरा जितनी भी दालें हैं, पल्सेस जो दालें होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी दाल हो उसमें प्रोटीन मिलेगा। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है एग में, ठीक है ना। एग, पल्स और मिल्क प्रोडक्ट ये कभी मत भूलिएगा आप, सबसे ज़्यादा एग में, फिर आपके चीज़ में, फिर दालों में, दालों में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पीनट्स, फिश में भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। सोयाबीन कंटेंट्स मैक्सिमम प्रोटीन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन जो दाने होते हैं उसमें मैक्सिमम प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो है फैट। क्या है फैट? फैट क्या करता है? फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। फैट हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हीट और एनर्जी, मतलब ये हमारे बॉडी को हीट भी प्रोवाइड करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अब ये मिलेगा कहाँ फैट? फैट मिलेगा आपको चीज में, मिल्क में, बटर एंड नट्स आर फैट रिच फूड, ठीक है। अब मैं सिंपल वे में बताऊँ आपको फैट कहाँ मिलेगा आपको। देखो जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, क्या बोला मैंने? ऑयली चीज़ें। अब देखो आप खुद ही अब पता करो ऑयली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। पहली चीज़ की जितने भी ऑयल होते हैं वो ऑयली होंगे। अब आप जैसे कोई चीज़ फ्राई करके खाते हो ऑयल में तो उसमें फैट होगा, ठीक है। अब देखो बटर ऑयली होता है, घी ऑयली होता है, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड, ये सभी जो है आपकी ऑयली होते हैं, डालडा, ये सभी ऑयली चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों में आपको फैट मिलेगी, ठीक है। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, फैट भी हमारे बॉडी में स्टोर होता है। फैट्स शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी एज मोर कंजप्शंस ऑफ फैट्स केसेस ओबेसिटी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो फैट होता है ना उसको हमें उसकी जो मात्रा है बहुत ही लिमिट उसको बहुत ही लिमिट मात्रा में लेना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा हमें और जो है ऑयली चीज़ें या ज़्यादा फैटी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ज़्यादा फैटी चीज़ें हम खाएंगे ना तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब तो जितना होना होगा उतना होगा ही, और उसके बाद वो क्या होगा हमारे बॉडी में स्टोर होता जाएगा, और जब स्टोर होता जाएगा ना तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? फैटी हो जाएगी, यानी कि हम ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। और ओबेसिटी मतलब अभी मैंने बताया आपको कि ओबेसिटी क्या है, एक बीमारी है। एक ओबेसिटी मतलब एक तरह का बॉडी का फैट हो जाना, मोटा हो जाना, ठीक है ना। तो अभी आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में और फैट के बारे में। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको कुछ यहाँ पे रिमाइंड कर दूँ, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और एक और है, उसका नाम है फैट। कार्बोहाइड्रेट केवल एनर्जी देता है, फैट क्या करता है? हमें हीट और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है ना। वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को बिल्डअप करता है, वो है प्रोटीन, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे भी क्वेश्चन बनेंगे बस, लेकिन ये आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा था कि आप कोई जो है भूल ना जाए।
ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है वो है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आइए लगे हाथ इसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। देखो ताजे जो फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल होते हैं ना वो सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के, है ना। दीज आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और इनकी जो क्वांटिटी मतलब होते हैं ना ये हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्स क्या हैं। तो जितनी भी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां और जितने भी फ्रूट्स हैं वो वहाँ पे आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। दूसरा, इफ़ द बॉडी डज नॉट गेट देम इन सफिशियंट क्वांटिटी। अगर अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर आपने बताया कि विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो फ्रूट में और हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं। अब सबसे दूसरी चीज़ है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारे बॉडी में किस तरह से इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसे सफिशियंट क्वांटिटी में ना लें तो क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन मेनी डिजीज। अगर हम इसे सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी हमें, ठीक है ना। सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स विद देयर सोर्सेज फंक्शंस एंड द डिजीज ड्यू टू देयर डिफिशियंसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन्स होते हैं और उनके जो सोर्स होते हैं, उनके हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, उनकी कमी से कौन सी डिजीज होगी, उसका एक चार्ट यहाँ पे दिया गया है। और ये चार्ट आपको बहुत ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न करना है क्योंकि ये आपको जीवन भर काम देगा, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए, है ना। तो विटामिन ए कहाँ पे मिलेगा आपको, विटामिन ए मिलेगा मिल्क प्रोडक्ट में, चीज़ में, फिश में, एग में, ठीक है, और उसके बाद कैरेट में, टोमेटो में, ठीक है, और स्पिनच में। ये सोर्स हैं आपके विटामिन ए के। विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपको, स्किन एंड ग्रोथ ऑफ स्किन, ये जो हमारे बॉडी के स्किन को ग्रोथ करता है और आई साइट हमारी जो आँखों की रोशनी होती है उसको बढ़ाता है, ठीक। अगर ये बॉडी में हमारे कमी हो जाए विटामिन ए की तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में न दिखने वाली बीमारी हो जाएगी हमें। कौन सी बीमारी हो जाएगी, रात में न दिखने वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन आपके पास आ गया कि बताओ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अच्छा ठीक है, बताओ कि नाइट विटामिन ए हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बॉडी की स्किन को ग्रोथ करता है और हमारे आई साइट को इम्प्रूव करता है, ठीक है। दूसरा है विटामिन बी, विटामिन बी के भी सोर्सेज लगभग वही हैं, ठीक है। अब इस ये क्या करता है, हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, मदद करता है। यानी कि अगर हम विटामिन बी की कमी हो जाए तो जो है क्या होगा, हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम होगी। और इससे कौन सी डिजीज होती है, तो इससे डिजीज होती है आपकी बेरी, बी फॉर बेरी, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई विटामिन बी जो है हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, तो नर्वस सिस्टम और हार्ट, ठीक है। तीसरा है विटामिन सी, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों में आपको क्या मिलेंगे, विटामिन सी। अब ये विटामिन सी हमारे बॉडी में क्या करता है, हेल्दी गम्स एंड बोन्स। अगर हमारे बॉडी के में गम्स मसूड़े और बोन्स मतलब हड्डियाँ दोनों को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें क्या लेना होगा, विटामिन सी। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी एक तरह की जो है गम प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो स्कर्वी होने के चांसेस होते हैं। तीसरा है विटामिन डी
सोर्स है, आप इसे याद कर लेंगे। इसी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? टीथ एंड बोन्स, दांतों और हड्डियों की समस्या हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा इसमें डिजीज होता है? रिकेट्स, जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियाँ जो है आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और इसके बाद एक और विटामिन मिनरल्स है आपका आयोडाइन। आयोडाइन जो है इसकी कमी से क्या हो जाता है? प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। इससे क्या हो जाता है? गोइटर। गोइटर क्या होता है? एक तरह का घेंगा, गले का रोग होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गोइटर क्या होता है, तो गोइटर जो है एक घेंगा, मतलब इसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं, गले का एक रोग होता है, गले की बीमारी होती है। आयोडीन कहाँ मिलता है? ये साल्ट मिलता है, और ये आपका जो समुद्री जो है जीव है, सी क्रिएचर है, ये कीड़ा है, एक प्रकार का इंसेक्ट है, इसको भी लोग खाते हैं, तो इसमें भी आयोडीन उनको मिलता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना है। आई होप जो चीज़ें आपको समझाई गई वो क्लियर होंगी। अगर इसके बाद भी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करें या अपनी प्रॉब्लम जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।